हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास हिंदी कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, दोस्तों आप लोगों के इस सब्जेक्ट के से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। सो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताया था। एंड दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की चुनौतियों और संभावनाओं पर एक लेख लिखें। तो दोस्तों, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बारे में मैं फटाफट से आपको सारे पॉइंट बता देती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मनुष्य की ये सहज नैसर्गिक और आदमीय वृत्ति है कि वह अपने भावों, विचारों, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। अर्थात संप्रेषण मनुष्य के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। संप्रेषण की आवश्यकता अन्य मनुष्योत्तर प्राणियों को भी होती है, किंतु मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विभिन्न संकेतों एवं प्रतीकों के अतिरिक्त संप्रेषण के लिए शब्दों के प्रयोग पर अधिकार है। शब्दों के माध्यम से संप्रेषण मनुष्य की नैसर्गिक वृत्ति भी है और क्षमता भी। मनुष्य जितना अपने प्रति सजग एवं सचेत होता है, उतना ही वह अपने आसपास के समाज एवं जगत के प्रति भी होता है। अंततः जितनी तीव्र इच्छा उसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने की होती है, उतनी ही उत्कृष्ट लालसा उसमें दूसरों को जानने व समझने की भी होती है। मनुष्य की ये भूतपूर्व वृत्ति ही संप्रेषण का आधार है। मनुष्य के जीवन से सहज, स्वाभाविक एवं अनिवार्य रूप से जुड़ी संप्रेषण की प्रक्रिया उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का जीवन एक जटिल एवं संश्लेषण व्यापार है। उसी प्रकार संप्रेषण भी एक संश्लेषण एवं द्वंद्वात्मक क्रिया है। मनुष्य जब स्वयं कई बार अपने ही भावों और विचारों में इतना उलझ जाता है कि वह ना तो किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच पाता है और ना ही उचित शब्दों के भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है, तो अन्य लोगों की भावनाओं और विचारों को समझना निश्चित रूप से ही एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। सो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से एक परिचय लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा परिचय अच्छे से रीड आउट कर दिया है। दोस्तों, ये परिचय लिखने के बाद आप लोगों को वन बाय वन करके जो संप्रेषण की चुनौतियां हैं उसके बारे में बताना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर आपसे चुनौतियों और अवसरों के बारे में ही पूछा गया है, संभावनाओं के बारे में। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि संप्रेषण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। संप्रेषण की चुनौतियों को 3 स्तरों में विश्लेषित किया जा सकता है। सबसे पहला है मानवीय स्तर पर, दूसरा है कथ्य स्तर पर और तीसरा है मध्यम स्तर पर। तो दोस्तों, आप लोगों को वन बाय वन करके इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिख रखे हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग जस्ट इनको पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए एंड इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए अब सारे पॉइंट्स रीड आउट नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको जस्ट फटाफट से सारे पॉइंट वन बाय वन करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो एंड आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए वन बाय वन करके सारे पॉइंट वाइज चीज़ों को अच्छे से नोट कर रखा है। यहाँ पर आप लोगों को सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिए सारे पॉइंट्स को।
ये देखिए दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट हो गया है कथ्य के स्तर पर। अभी तक हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर की तरफ, अभी हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है, उसके बाद आपको आगे के पॉइंट्स भी इसी तरीके से आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप लोगों को संप्रेषण की संभावनाओं के बारे में बताना है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर यही दो चीज़ें पूछी गई हैं, संप्रेषण की चुनौतियां और संभावनाएं। तो दोस्तों संभावनाओं से रिलेटेड भी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, एंड ये पूरा आंसर आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर में। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ये पूरा आंसर फिनिश होता है, ये लास्ट का पॉइंट है दोस्तों, एक सेकेंड लास्ट पॉइंट था ये, एंड दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो पूरा फिनिश होता है। दोस्तों हमेशा मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको वन बाय वन करके एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन दोस्तों उसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, एंड मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आप चाहे तो पॉइंट एक्सप्लेन मत कीजिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो इसलिए दोस्तों मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये तरीका निकाला है, आप लोग इन सभी पॉइंट्स को पॉज कर करके अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको खूब ज़्यादा शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब तक, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, मैं 100 लाइक का टारगेट रख रही हूँ। दोस्तों प्लीज़ इस टारगेट को कम्प्लीट कर दीजिएगा, एंड दोस्तों नेक्स्ट आंसर लेकर मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही आती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।